शादी बनी बर्बादी वाली कहावत तरनदीप सिंह बावा के ऊपर बिल्कुल सटीक बैठती है, जिनकी शादी फिरोजपुर के उद्योगपति वीरेंद्र पाल सिंह की बेटी अमनदीप कौर के साथ हुई। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण ये शादी नहीं चली और दोनों के बीच झगड़ा इतना बढ़ गया कि पुलिस स्टेशन तक ये बात पहुंच गई और उसके बाद शुरू हो गया दोनों का एक दूसरे पर केस दर्ज करना। तरनदीप सिंह बावा ने आज चंडीगढ़ प्रेस क्लब में एक पत्रकार वार्ता कर बताया कि उनके और उनकी पत्नी के बीच संबंध ठीक नहीं चल रहे थे, जिसके बाद दोनों ने अलग होने का फैसला लिया। लेकिन उनके ससुर यानी कि वीरेंद्र पाल सिंह, जो कि अपने क्षेत्र के बेहद प्रभावशाली व्यक्ति हैं और उनके कई वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों व अन्य महत्वपूर्ण लोगों के साथ उठना बैठना है, वो उन्हें व उनके परिवार वालों को एक के बाद एक केस में उलझाने में लगे हुए हैं। करणदीप ने आरोप लगाया कि जहां एक आम आदमी को FIR दर्ज कराने के लिए कई बार पुलिस के चक्कर लगाने पड़ते हैं, लेकिन इस पति पत्नी के समाने से गलतफहमी के मामले में एक के बाद एक FIR इस प्रकार धड़ल्ले से दर्ज हुई जैसे कि उनका सारा परिवार अपराधियों का परिवार हो। तरनदीप ने बताया कि हालांकि ये मामला न्यायिक दायरे में आ गया है, परंतु फिर भी पंजाब पुलिस जबरदस्ती दखल अंदाजी कर रही है। यहाँ तक कि SIT के चेयरमैन व पटियाला के पुलिस प्रमुख अमर सिंह चहल ने भी जो स्टेटस रिपोर्ट पेश की है उसमें भी झूठे तथ्य व दस्तावेज लगाए गए हैं जो पहले कभी नहीं थे। तरनदीप ने चहल पर संगीन आरोप लगाते हुए कहा कि उनके पास चहल व वीरेंद्र पाल सिंह के बीच टेलीफोन पर हुई लंबी बातचीत से संबंधित दस्तावेज भी है। तरनदीप ने गुहार लगाई है कि उनके साथ व उनके परिवार वालों के साथ अन्याय हुआ है और उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही, इसलिए वो मांग करते हैं कि इस मामले की जांच खुद CBI, ED या हाईकोर्ट के जज को सौंप दी जाए, जिससे कि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके, क्योंकि मौजूदा हालातों में उन्हें न्याय मिलना मुश्किल लग रहा है। दाज दहेज के केस है जड़े, ये मेरे ख्याल से 99% वैसे ही झूठे होंगे हैं। ये केस पर दाज दहेज का कला ना रह के इनू सारी पंजाब पुलिस ने अपना परसनल केस बना लिया है, जिद कि मेरे परिवार से 16 सैक्शन लगे, 16 धारावं चलान पेश हो चुके हैं। मेरे तो परचा मेरे माँ बाप से, मेरिया भैन से, मेरे जीजिया से, भैन दसा ड्राइवर से, मेरे दोस्तों से, कंप्लीट फैमिली के मामे के पुता से भी परचा है, कंप्लीट फैमिली का परचा है। जिस बंदे ने परचा कटिया वह भी ये गल कर रहे हैं, SSP, SP, SHO, DSP, IG, DIG, कंप्लीट सारी टीम ही ये फोन पर गल कर रही है, वेरी लेंथी टॉक्स ना, कोई यही कि एक मिनट की गल है, 2 मिनट की, अद्धा आधा घंटा, 40-40 मिनट दल है, जिड़ी कि मेरे को एविडेंस है। मैं मीडिया भावों भी इसे करके लैके आया देने, तो मैं ऑनरेबल हाईकोर्ट भी प्लेस कर चुके हैं। ये पिछले कारण एक ही है जी, मेरी प्रॉपर्टी लैन का, वो मेरे तो मेरी अद्धी जमीन मंगते हैं जी राजीनामे, तो 10 सैक्टर वाली कोठी डिमांड कर रहे हैं। ऑनरेबल कोर्ट SK अग्रवाल जज साहब की कोर्ट, उन्होंने ओपन कोर्ट 10 करोड़ रुपया कल तलाक का मंगया, फिरोजपुर सैशन जज साहब की कोर्ट, तो कहते केस मुकाने असं अलग पैसे लवेंगे, लेकिन वो बाद डिसाइड होगा, पहला डिवोर्स का दसो। असी जी ये वास्ते मैं DGP साहब न बहुत सारी मिले हैं, ADGP साहब न मिले हैं, कई IGs DIGs, मेरी कितने सुनवाई नहीं हुई जी, क्योंकि विआह DGP तो लैके SP रैंक तीन सारे अफसर शामिल है, फोन पर वो गल करते हैं सारे अफसर, तो ये बहुत चंगे दोस्त है जी, बिजनेस सांझे है सारे, ये मैं कोई क्यों मेरी मदद करेगा, मैं कोई जस्टिस नहीं देगा इस केस ना, मैं जस्टिस मिलना भी नहीं पंजाब पुलिस तो, अगर एक केस ED को जाता है या जिस तरह की हूँ जस्टिस महताब सिंह गिल साहब की इनकुआरी कर रहे हैं, इंसाफ की उम्मीद भी मैंने उन्होंने तो ही है, और मैं इंसाफ पंजाब पुलिस ना देगी, मैंने पता मैं देगी भी नहीं कभी, क्योंकि सारे अफसर कंप्लीट ये मिले हुए हैं, सारे 90% पुलिस ये रली हुई है। मेरे विआह से VP सिंह वालों इनवाइटड सी, शायद CM की भी किसी रिश्तेदारी विआह हो, नहीं इन्ने आते गए, बीवी बच्चे लैके आए हुए सी सारे अपने, तो मेरी तो एक ही डिमांड है जी, मैं इंसाफ दिता जाए, सारे जो चलानस है ये दोबारा तो रिवाइज़ किए जाने। मैं ED भी कल की कंप्लेट देने जा रहा कि इस बंद का बिजनेस पता किया जाए, CBI भी कि इस बंद का धंधा पता करो, ये करता की है, ये कोई प्रॉपर्टी डीलर नहीं है, कोई बिजनेसमैन नहीं है, यदा कोई पक्का अड्डा नहीं है, कोई यदा बिजनेस नहीं है, टिल नाओ अज तक यदा कोई बिजनेस नहीं है, प्रॉपर्टी डीलर कहें पर झूठ है, ये कोई प्रॉपर्टी डीलर नहीं है। चंडीगढ़ से नेशनल बस के लिए विनोद प्रकाश की रिपोर्ट।